तो अपनी स्किन को डैमेज से पाक करने के लिए और साइड इफेक्ट से बचाएं, इस घरेलू टोटके को आजमाएं। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे और देर पर रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, घर में मौजूद आपकी चीजों से ये बन जाएगा मास्क। तो चले चलते हैं अपने इस मास्क की तरफ। तो इस मास्क को बनाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको चाहिए जौ का आटा 10 ग्राम, बादाम आपको चाहिए हसबे जरूरत, आप चाहे तो 6-7 गिरियां ले सकते हैं बादाम की, और आपको चाहिए इसमें नीम के पत्ते, जो कि आपको किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएंगे। नीम के पत्ते आपको चाहिए हसबे जरूरत, और गून कतीरा ये भी आपको मिल जाएगा पंसारी की शॉप से हसबे जरूरत, और हुस्ने यूसुफ भी आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएगा। जहाँ जहाँ आपको बोला गया है कि हसबे जरूरत, तो उसमें आप इस तरह से कर सकते हैं कि बादाम को पीस के आपने क्योंकि यूज करना है, तो इसलिए आप बादाम का पाउडर 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें, 1 खाने का चम्मच। नीम के पत्तों का पाउडर बना लें और वो आप 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें इसमें। गून कतीरा 1 चम्मच और हुस्ने यूसुफ भी 1 खाने का चम्मच आप इसमें मिला लें, और इन सब चीजों को आपने अब ये करना है कि अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये एक पाउडर बन जाएगा। आपने इन सब चीजों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और फिर आपने इसमें 1 चाय का चम्मच अरके गुलाब मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अरके गुलाब क्योंकि बेहतरीन है इसलिए आप अरके गुलाब इस्तेमाल कर लें, और इसको मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लें, ठीक सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लें, और इसको आपने अपने चेहरे पर लगा देना है 10 से 15 मिनट के लिए। और जैसे ही ये हल्का हल्का सा आपको सूखता हुआ फील हो, आपको ड्राई होता फील हो, तो आपने क्या करना है कि इसको हल्के हाथ से रगड़ना है सर्कल मोशंस में, और इसको हल्के हाथ से रगड़ते रगड़ते इसको उतार देना है। और जब आप इसको उतार लें तो अपना चेहरा किसी भी साफ पानी से, किसी भी ठंडे पानी से या नीम गर्म पानी से आप उस तरह से धो सकते हैं। अगर गर्मियां हैं तो आप ठंडे पानी से धोएं, और अगर सर्दियां हैं तो नीम गर्म पानी से अपना चेहरा धो लें और इसको अच्छी तरह से साफ कर लें। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान और सस्ती सी टिप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टोटका जरूर पसंद आएगा और आप ये मास्क जरूर ट्राई करेंगे, और इसके बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आप इसको हफ्ते में 2 बार जरूर इस्तेमाल करें। और मुझे कमेंट्स में अपने कमेंट्स का जरूर बताएं, कमेंट्स देकर कि आपको ये मास्क कैसा लगा और इसको आपके रिजल्ट्स कैसे आपको मिले। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं जो भी आपको टिप्स बताती हूँ वो बहुत ही आजमूदा होती हैं, और पर्सनली मैं खुद इनको ट्राई करती हूँ उसके बाद आपको इनका बताती हूँ, ताकि इसका कोई भी अगर साइड इफेक्ट है या कोई एलर्जी वगैरह को कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं आपको चीज़ बता देती हूँ कि जो चीज़ आपको एलर्जी कर सकती है तो उसको बीच में उसकी या तो क्वांटिटी ख़त्म करवा देती हूँ या उसको बिल्कुल ही ख़त्म करवा देती हूँ उस चीज़ को। सो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा है। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए, जैसा कि आपको पता है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन को आपको क्लिक करना है, ताकि जैसे ही मेरे चैनल से न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपको अलर्ट मिल जाए और आप मेरी न्यू वीडियोस देख के उससे फायदा उठा सकें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठाएं, और आपको दुआएं दें और आप मुझे दुआएं दें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच